सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु को राष्ट्रीय प्रेस क्लब की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हैं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन चौधरी जी, युवा मोर्चा के पोंटा मंडल के अध्यक्ष भाई चढ़ी चौधरी जी और प्रदेश के सह प्रवक्ता हमारे अनिल चौधरी जी। और अब ये लोग आपके बीच में अपनी युवा मोर्चा को लेकर जो इलेक्शन में गतिविधि है उसको लेकर अपनी बातचीत रखते हैं। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो लोकतंत्र की एक प्रमुख कड़ी है मीडिया। मैं सभी को इस प्रेस दिवस की जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम इस दिन मनाते हैं उसकी आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो हमारा मुख्य प्रचार प्रसार है वो लोगों तक पहुंच पाता है, जनता तक, आम जनता तक पहुंचता है। ये भी कह सकते हैं कि जो हम घर घर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते वो आप के माध्यम से इजीली वो हम पहुंचा पाते हैं। इसलिए आप सभी का, क्योंकि आपने दिन रात आपने भी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है कि उनके दिल में क्या है, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रेस वार्ता प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले 12 नवम्बर को जो हिमाचल प्रदेश का एक चरण में हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ वो शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुआ है और काफी भारी वोटिंग इस विधानसभा चुनाव में हुई है। लेकिन जिला सिरमौर में पिछली बार भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसमें हम कहीं पिछड़े हैं और पोंटा साहब में भी सबसे ज्यादा वोटिंग हमने पिछली बार करवाई थी, उसमें भी थोड़ा पिछड़े हैं। लेकिन फिर भी जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मैं आपको आज सभी को आपको कष्ट दिया है आ जाने का, उसके कुछ मुख्य कारण है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है, युवा मोर्चा मंडल पोंटा साहब ने किस प्रकार से चुनाव की तैयारियां की, बूथ स्तर पर एक टीम को खड़ा किया, सबसे ज्यादा रैलियां जो बाइक रैली होती है हिमाचल प्रदेश में अगर किसी मंडल ने की है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पोंटा साहब ने किया है। जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की युवा संकल्प रैली हुई, हमारे विजय संकल्प रैली मंडी में हुई थी, मंडी पोंटा साहब से काफी दूर है लेकिन फिर भी युवाओं में इतना जोश था कि हमने 2000 से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे। किसी कारणवश नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं आ पाए क्योंकि काफी मौसम खराब था। और उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी मंडल पोंटा साहब के कितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जितनी भी रैलियां हुई है और जितनी भी ट्रैक्टर रैलियां हुई है उसमें युवा मोर्चा की टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को पता है कि इस चुनाव में आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था वर्ष 2017 में, उसमें भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय श्री चौधरी सुखराम जी ने 12619 मतों की विजय हासिल की थी। तब भी हमारे पास इतनी मजबूत और सशक्त टीम नहीं थी युवा साथियों की, कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम थी लेकिन युवाओं की टीम इतनी अच्छी नहीं थी हमारे पास। लेकिन इस चुनाव में आप सभी ने भी देखा है, हमने भी महसूस किया है कि हम एक काफी अच्छी युवाओं की टीम बनाने में सफल हुए हैं, जिसने कि दिन रात मेहनत की है, बिना किसी डर के, बिना किसी कारण के कि उनका कोई इसके लिए इसके पीछे कोई कारण है, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुटता से मेहनत की है। तो मेरा मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इतना स्नेह तो साहब को उन सभी ने दिया है, क्योंकि जो विपक्ष है उन्होंने काफी षड्यंत्र इस चुनाव को जीतने के लिए रचे। आप सभी ने देखा भी होगा मतदान के दिन में शांतिपूर्वक रहने वाले हमारे नेता जो कि हिमाचल प्रदेश के काफी लोकप्रिय नेता हैं, प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री का दायित्व उनको मिला है, ऐसे नेता पर हाथापाई धक्का मुक्की तक उन्होंने की है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं। युवाओं में उसके लिए काफी आक्रोश भी है और युवाओं ने हमने उनके खिलाफ जो दोषी है इस घटना को लेकर उनके खिलाफ हमने कानून से और चुनाव आयोग से आग्रह भी किया हो उनको सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ हो, क्योंकि जो युवा जोश है, मुझे डेली फोन आ रहे थे
कि ये काफी गलत है, काफी इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए या कुछ अन्य चीज ऐसी करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए चौधरी साहब के एक निर्देश के बाद सभी युवा शांत हुए। आपने देखा होगा कि रात को काफी माहौल या बिगड़ सकता था, हजारों की तादाद में युवा इकट्ठे हो गए थे सड़कों पर, और हमने भी युवाओं से यही आह्वान किया कि जो चुनाव है उसको किसी तरह का विघ्न उसके अंदर नहीं आना चाहिए। हमें तो दुख होता है विपक्ष जो है उसको चुनाव आयोग की किसी भी चुनावी प्रणाली पर विश्वास नहीं है, चाहे वो ईवीएम की मशीन हो, चाहे वो वोटिंग कराने का वो हो या कोई भी अन्य तरीका हो, उनको कभी भी चुनाव आयोग पर आज तक भरोसा नहीं रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 12 नवंबर के दिन भी उन्होंने विघ्न डाला था, 8 दिसंबर का जब दिन आएगा तो ईवीएम को रोना 12 बजे ही रोना शुरू कर देंगे। तो यही सब बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि जो एक घटना हुई है इसके पीछे चुनाव आयोग सख्त इसके पीछे कार्यवाही करेगी ऐसा हमें भरोसा है। और जितनी भी युवा टीम है इन सभी को भी मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आगामी 5 वर्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी साहब पुनः विधायक बनकर यहां से भारी मतों से जीतेंगे, तो जितने भी इनके माध्यम से हमारे पास काम आएंगे, हमने तो युवाओं को कहा है कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र है वो आप ही के माध्यम से बनाया है और आप ही के माध्यम से काम होंगे, क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति है। अब क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो बुजुर्ग होते थे उन्हें ये कहने से बहुत डरते थे, लेकिन युवा अब एक अलग राह पर चल पड़ा है। कहते भी हैं जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं युवा साथियों को आपके माध्यम से पूरा विश्वास में लेते हुए कहता हूं कि जो भी आप कहेंगे वो कार्य होंगे। और एक और बात, जो भी पदाधिकारी युवा मोर्चा के इस चुनाव में निष्क्रिय रहे हैं या जिन्होंने विरोधी काम किया है, हमने उसकी सूचना जिला को भेज दी है। हमारा जिला से भी और प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, हमने उनसे आग्रह किया है जिन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध कोई प्रचार किया है उनको कम से कम 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाए, और जो पदाधिकारी ये सदस्य निष्क्रिय रहे हैं उनको पदभार मुक्त कर अन्य जो हमारे एक्टिव युवा हैं उनको उनकी जगह दी जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे 2 ही सह प्रवक्ता ही बैठे हैं हमारे प्रदेश के और हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा अपने जिलाध्यक्ष भाई पवन चौधरी जी से कि वो आगे की प्रेस वार्ता को जारी करें। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस प्रेस वार्ता में मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ साधुवाद करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए, और साथ ही आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो राष्ट्रीय प्रेस वार्ता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि चरणजीत जी ने बताया कि जो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो कोटा मंडल के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक अहम भूमिका उन्होंने शुरू से लेकर लगभग 1.5-2 साल से चलाई हुई है, जिसमें हमने 1 for 20 युद्ध का महाअभियान पूरे प्रदेश में चलाया था और वो लगभग हमने पूरे प्रदेश में 156,000 युवाओं का हमारा 20 के हिसाब से बनता था हर एक बूथ पर, लगभग हमारे 76 से कुछ बूथ हैं, तो लगभग हमने 153,000 युवाओं को पूरे प्रदेश में यहाँ पर जोड़ा है। और जिला सिरमौर में भी हमने लगभग 11,563 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है हर एक बूथ पर हमने 20-20 युवाओं को जोड़ा है। उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे ये 2022 के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारी कोटा विधानसभा के साथ साथ पूरे जिला सिरमौर में साथ ही पूरे प्रदेश में युवाओं ने इस विधानसभा के चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने है कि आज हमारी प्रेस वार्ता में भी हमारे जो कोटा मंडल के सभी युवा जिन्होंने इस विधानसभा के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ये सब युवा हम आपके पीछे भी और हमारे पीछे भी युवा नजर आ रहे हैं, ये हमारे बैक में जो खड़े हैं हमारे सारे मेन बॉडी के चाहे जिला के हैं मंडल के हैं पदाधिकारी हैं, पीछे हमारे कुछ कार्य समिति सदस्य हैं, इन्होंने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए और आदरणीय चौधरी सुखराम जी के लिए दिन रात मेहनत की है कि
इस बार जो कैंपेन हमारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे चला है आदरणीय चौधरी सुखराम जी के, जो हमारा चुनाव था और आदरणीय जो हमारे मंडल अध्यक्ष है भाई चरण जी जिनके अध्यक्षता में जो युवाओं ने दिन रात एक किया है, हरेक बूथ पे जाकर इन्होंने पार्टी के जो हमारे मंडल के पदाधिकारी थे उनके साथ हरेक बूथ पे अपना कार्य किया है, हरेक बूथ पर जाके डोर टू डोर किया है। उसी का नतीजा है कि हम जो हमारी ये विधानसभा है कोटा, इतनी कैंडिडेट होने के बावजूद भी हम आदरणीय चौधरी सुखराम जी यहाँ से अच्छे मतों से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। और ये सब युवा मोर्चा के जितने हमारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं ये सब उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि आपने भी लोगों को एक जागरूक करने का इस इलेक्शन के दौरान काम किया है। आप भी प्रत्येक कोई बूथ पे गया है, कोई पंचायत में गया है, वहाँ पर किस प्रकार के मुद्दे थे, किस प्रकार की डेवलपमेंट कोटा विधानसभा में हुई है, किस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पिछले 5 साल में कोविड के बावजूद किए हैं, वो सब आप लोगों के माध्यम से घर में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो प्रिंटिंग के माध्यम से हो, लोगों तक पहुँचे हैं। उसी का नतीजा है कि लोग जागरूक भी हुए हैं और पुनः आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और यहाँ से आदरणीय चौधरी सुखराम जी को पुनः विश्वास दिलाते हुए लोगों ने यह भारी अच्छा बहुमत हुआ है और निश्चित रूप से आदरणीय चौधरी सुखराम जी यहाँ से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कुछ एक लगातार हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु कुछ एक जो हमारे पदाधिकारी थे 2-3 उन्होंने पार्टी के अंगेस्ट कार्य किया है, तो उनकी लिखित में चरणजीत जी ने मुझे लिखित में उनकी शिकायत एक दी है कि आप इनके ऊपर संज्ञान लें और इनको, इन्होंने पार्टी के अंगेस्ट और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ आदरणीय प्रत्याशी है सुखराम चौधरी जी के खिलाफ कार्य किया है। तो सबसे पहले जो हमारे एक सुल्तान मलिक जी को इन्होंने कुछ उनके ऊपर भी एक कार्यवाही हुई थी जिसकी वजह से उनको यहाँ से मंडल से निष्कासित कर दिया था। तो वो हमारे मंडल में युवा मोर्चा में प्रवक्ता थे और आज से हम पुनः प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी के माध्यम से सुल्तान मलिक को पुनः भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कोटा मंडल में उनकी वापसी करते हैं। और साथ ही जो यहाँ के महामंत्री हैं संदीप तोमर जी, उनके खिलाफ मेरे को शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने आप सबके माध्यम से प्रेस में जाकर भी यहाँ के कैंडिडेट के खिलाफ और अपने बूथ पर या अपने लेवल पे उन्होंने पदाधिकारी होने के साथ, वो क्योंकि मंडल के महामंत्री थे, उन्होंने पार्टी के अंगेंस्ट जाके कार्य किया है, तो उनको 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं आप सबके सामने बोलता हूँ, घोषित करता हूँ कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। और पुनः आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं सभी जितने हमारे युवा मोर्चा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने जिस लगन और मेहनत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय चौधरी सुखराम जी के लिए कार्य किया है, निश्चित रूप से आप सबकी मेहनत वो रंग लाएगी। आने वाली 8 दिसंबर को आदरणीय चौधरी सुखराम जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे और साथ ही पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रिपीट हो रही है। इसके साथ साथ मैं आप सबका प्रेस बंधुओं का पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मेरा अनुभव रहेगा भाई अनिल जी से, जो प्रवेशी से आप बोलते हैं वो अपनी बात रखेंगे। सभी प्रेस बंधुओं को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जो मुख्य उद्देश्य आज प्रेस वार्ता का था वो हमारा धन्यवाद कार्यक्रम का ही था। आदरणीय अध्यक्ष चरणजीत चौधरी जी ने और जिला अध्यक्ष पवन चौधरी जी ने विस्तार से आप अपनी बात आप सबके समक्ष रखी है। मैं उसमें सिर्फ एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि जो भी हमें प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई अमित ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भी आदेश कोटा मंडल को या हिमाचल प्रदेश के अन्य किसी भी मंडल को प्राप्त हुआ है, उसे पूरा करने के लिए सबसे अग्रिम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निभाई है। आपको पता है कि जब हमारा 1 बूथ 10 यूथ का अभियान चला था तो एक बूथ के ऊपर हमने 10 युवा जोड़ने थे, जो कि हमारे विशाल चौहान जी पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे थे हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद भाई अमित ठाकुर जी ने बीड़ा उठाया कि हमने
वन बूथ 10 यूथ की जगह 10 युवा और खड़े करने हैं। 20 युवाओं की टोली एक बूथ के ऊपर हमने खड़ी करनी है। उसी के संदर्भ में हमें ये आगे की जो कार्य थे दिए गए थे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उन सबसे आगे बढ़कर हमारा जो स्थानीय मंडल है पोटा विधानसभा क्षेत्र का, उसने इतना बेहतरीन कार्य किया है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का हो। मैं आप सब युवा साथियों को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारा वन बूथ 20 यूथ का डिजिटलाइजेशन का अभियान था, उसको 90% से अधिक पूरा करने में अगर किसी एक मोर्चे एक मंडल की किसी की भूमिका रही है तो वो कोटा साई मंडल की रही है। उस चीज़ के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी आपके समक्ष जो विधानसभा के जो चुनाव थे ये पूर्ण हुए हैं, और इन विधानसभा चुनाव में भी आपकी भूमिका अग्रणी रही है। 7 मोर्चे आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्य करते हैं, लेकिन 7 मोर्चों में अगर किसी मोर्चा ने पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर मंडल के साथ पूर्ण रूप से भूमिका निभाई है, किसी भी कार्य को पार्टी ने दिया है उस कार्य को करने के लिए दिन रात कोई मोर्चा अग्रिम पंक्ति में रहा है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और मंडल पोटा साहिब रहा है। तो उस चीज के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। तो आगे अभी हमारे दोनों भाइयों ने विस्तार से सारी जानकारी आपको दे दी थी, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा उस कड़ी में खड़ा होता है कि उन्होंने परिवार भी देखना होता है। आपने परिवार भी देखना है, आपने अपना फ्यूचर भी देखना है, उसके साथ साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य किया, जो समय आपने दिया, उस चीज के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसीलिए निराशा से आगे आपने सिर्फ आशा ही रखनी है, और हमने आगे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो हमने ये टीम खड़ी की है आदरणीय चौधरी चरण जी के माध्यम से, पवन चौधरी जी के माध्यम से, हम सब ने जो टीम खड़ी की है इस टीम को हमने ऐसी बनाए रखना है। और किसी की बातों में ना आते हुए, आपको पता है विधानसभा चुनाव ऐसे दौर से हमारा विधानसभा चुनाव गया है, मुझे लगता है कि हमारे जो सिरमौर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी इसी मंडल से संबंध रखते हैं, तो हमने उन सबको झेला है। आपको पता है कि चौधरी सुखराम जी ने भी एक बात को स्पष्ट तौर पे उन्होंने स्पष्ट कर दी थी कि 9 हमारे जो ये प्रत्याशी चौधरी साहब के अगेंस्ट हुए हैं, जो हमारी पार्टी के भी खिलाफ हमारी पार्टी के कुछ सदस्य गए हैं, स्पष्ट बात कर दी थी कि जो भी कमल का फूल लेकर आएगा उस कमल के फूल के साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। लेकिन पता नहीं उन जो हमारे साथ दिन रात चलने के वादे करते थे, कस्मे खाते थे, उनके वादे कस्मे कहां गए? और हमने भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा है, व्यक्ति विशेष से ऊपर हटकर हमने भी कमल के फूल के साथ चलने का निर्णय लिया है। कमल का फूल आदरणीय चौधरी सुखराम जी को मिला है, वही हमारे आने वाले विधायक हैं, वही हमारे आने वाले प्रत्याशी हैं। हमने पूर्ण रूप से विधानसभा से पहले घोषणा हमने भी की थी, लेकिन उससे आगे हटकर आप लोगों ने पूर्ण रूप से अपनी अपनी पंचायतों में अपने अपने बूथों पर जो कार्य किया है, उस चीज के लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी टीम शायद ही हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य मोर्चे को या किसी अन्य मंडल को प्राप्त हो, जैसी कि पोटा विधानसभा क्षेत्र में है। मुझे भी विस्तारक के रूप में जिला शिमला का कार्य मिला था, और उसमें एक मंडल मुझे दिया गया था, कुसुमटी मंडल, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन बू 20 यूथ की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसमें हमें 800 से ज्यादा युवा जोड़ने थे, और हमारे पास हमें टारगेट दिया गया था 10 दिन का हमें टारगेट दिया गया। लेकिन मुझे पता है कि आदरणीय चौधरी सुखराम जी के नेतृत्व में हमने वो बारीकियां सीखी है, वो कार्य हमने 7 मंडल जो हमारे हिमाचल प्रदेश में रहते थे, वो कार्य हमने अमित भाई ठाकुर जी के नेतृत्व में, मैंने वो कार्य 10 दिन के अंदर अंदर पूरा करके वो वहां पे दिया। वो सबसे पहले 7 जो मंडल हमारे बचते थे, सबसे पहले 7 मंडलों में हमने कुसुमटी मंडल का वो कार्य करके दिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पता है कुसुमटी की सीट भी बदल चुकी है, आदरणीय हमारे सुरेश भारद्वाज जी जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे उस विधानसभा से, वो प्रत्याशी हमारे, वो भी अच्छे मार्जन से सीट को जीत रहे हैं। 20 साल से वहां सूखा पड़ा हुआ था, हमारी पार्टी 20 साल से वहां जीत नहीं पाई थी, लेकिन जो कार्य हमें दिया गया हमने 100% उस कार्य को पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और हम लगभग 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ऐसा ही युवा मोर्चा ही एक ऐसा मोर्चा है जिसने अपनी 100% अहम भूमिका हर प्रत्याशी के लिए और विधानसभा चुनाव में अपनी दी है, और उसमें हमारा पोटा मंडल सबसे अग्रिम मोर्चा सबसे अग्रिम मंडल बनकर उभरा है। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ स्थानीय मंडल की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सभी जितने प्रेस बंधु हमारे समक्ष सभी आए हैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी आपके प्रश्न है उस चीज के लिए हम तैयार हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज निश्चित नहीं है, 20 सालों से वहाँ पे देखिए कैंडिडेट ऐसा है, कैंडिडेट पूर्व में आपको पता है कि वहाँ पे कैंडिडेटों का ऐसा चला हुआ था कि
एक दूसरे के खिलाफ वहां पे कार्य किया जा रहा था। कुछ पदाधिकारी पार्टी ने भी निष्कासित किया और पार्टी को भी लगा कि जो जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कार्य किया वो साथ अभी सुरेश भारद्वाज जी वो भी साथ लगती विधानसभा से, तो पार्टी ने जो तय किया है पार्टी के साथ, और अब जो पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं वो मिलजुल कर सुरेश भारद्वाज जी के साथ वहाँ पे खड़े हैं और पुनः वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है, वहाँ पे एक चाय वाले को टिकट दिया, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वही कार्य करके हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य सशक्त है, जिसको भी टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे सभी जनता उनके साथ। ये जो पार्टी विरोधी कार्य हुए नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पूरे सिरमौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इतना अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, और उनके नेतृत्व में ही जो वहाँ का प्रत्याशी है या वहाँ का मंडल है पूरी तरह डिपेंड रहा है। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने, हमारा युवा मोर्चा है आज भी एकदम फ्रेश है, आज भी कहेंगे कि वहाँ जाना है तो जाने के लिए तैयार है। ये उसी का नतीजा है कि युवाओं में इस बार बहुत ज्यादा जोश था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेके भी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी देश के साथ साथ देश में तो अच्छा काम कर रही है परंतु उनका एक लगाव हमारे प्रदेश के साथ भी है। प्रदेश में जब भी हमने जो चीज मांगी है उन्होंने प्रदेश में दी है, तो नेचुरली इसी वजह से जितने हमारे युवा थे उन्होंने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कार्य किया है। और मेरे पास पूरे जिला सिरमौर की पांचों विधानसभाओं में से किसी भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के खिलाफ कोई ऐसी कोई मेरे पास शिकायत नहीं आई कि उसने पार्टी विरोध कार्य किया। सिर्फ कोटा मंडल में ही एक जो हमारे महामंत्री थे संदीप तोमर जी, उन्हीं का नाम आया है और इन्होंने मेरे को किया है कि आपने इसको निष्कासित करना है, तो आज हमने प्रेस के माध्यम से आप सबके सामने आज इसको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया। अन्य का निष्क्रिय है लेकिन उन्होंने पार्टी विरोधी काम नहीं किया, कुछ एक निष्क्रिय है, कुछ फैमिली रीजंस हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन किसी ने पार्टी विरोधी काम नहीं किया। नहीं, रेणुका ने भाई साहब बहुत अच्छा कार्य किया है रेणुका वाले ने, क्योंकि डेली आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक पे डेली उनकी भी टीम अच्छी थी जो फेसबुक के माध्यम से लगातार जहां मंडल ने कई बार अलग अलग विधानसभा की अलग अलग परिस्थिति होती है कि इस मोर्चे का मैंने कहाँ यूटिलाइज करना है, जैसे वहाँ पे हमारे युवा मोर्चा को होल्डिंग लगाने का कार्य दिया था कि आपने प्रत्येक क्षेत्र में जाके होल्डिंग लगाने हैं, या फिर वहाँ पे जाके उन्होंने इसके माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से कन्वेंसिंग की है कि पहली बार अच्छा प्रत्याशी आया है, लगातार उन्होंने ये वीडियो वायरल की है फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जहाँ पे पार्टी को जिस प्रकार से लगा मंडल को लगा इस प्रकार से युवा मोर्चा ने अपनी अपनी विधानसभा में कार्य किया और पहली बार हमारे को लगा कि युवा मोर्चा को फ्री हैंड छोड़ के पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 1.5 साल से जो पूरे प्रदेश में भाई अमित ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरा कैंपेन चलाया, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना के रख दिया और इसमें निश्चित रूप से युवा मोर्चा के हमारे साथियों और जितने हमारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं सबका बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका इस अभियान को बना। क्या कारण मानना है जी? श्यामपुर में घटना देखिए, अब की बार कुछ कारण रहे हैं जो अपना इलेक्शन कमीशन है, कई जगह जो वोटिंग हो रही थी वो कम से कम मशीन 30 सेकंड ले रही थी और वोटिंग प्रोसेस काफी स्लो चल रहा था। जो आदरणीय हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं श्री चौधरी साहब, वो पोलिंग पार्टी को यही कहने गए थे कि थोड़ा आप स्पीड को बढ़ाएं ताकि जो लाइन लगी हुई है उसको कम किया जा सके, और कुछ शरारती तत्व, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग एजेंट होता है और पोलिंग कैंडिडेट होता है उसको बिल्कुल अनुमति दी जाती है चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखता हो, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए थी किसी भी प्रत्याशी के साथ चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखता हो। जंग साहब भी वहां थे, किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए? देखिए हम तो चाह रहे हैं इसमें चुनाव एक्शन ले, बाकी तो पार्टी पे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे उनके ऊपर डिपेंड करता है कुछ। इसका थोड़ा सा जवाब मैं भी देना चाहूंगा कि आदरणीय मामला भी बनता है ना साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई उसके तुरंत ही आधे घंटे के बाद लगभग 1000 युवा हमारा जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पर एकत्रित हो गया था,
परंतु आदरणीय चौधरी सुखराम जी का जो एक छवि है वो एक सरल स्वभाव के धनी है। इस प्रकार की घटना एक बार 2012 में भी हुई थी, तब भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जितने भी हमारे मंडल के पदाधिकारी उनके साथ निवेदन यही किया था कि हम शांतिपूर्ण शांति चाहते हैं और किसी भी प्रकार की घटना ऐसी नहीं चाहते कि यहाँ से लड़ाई हो। क्योंकि जिस दिन हम बता रहे हैं कि उस दिन ये घटना हुई, उस दिन माहौल इतना था कि लगभग 800 से 900 युवा हमारी पार्टी कार्यालय में एकत्रित हो गए थे। अगर हमें लड़ाई ही करनी होती तो हम कुछ भी जाके वहां पर कर सकते थे, परंतु आदरणीय चौधरी सुखराम जी ने बार बार जितने भी हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी सबसे हाथ जोड़कर विनती यही की है कि हम जीत रहे हैं, हमारे लिए कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे से हमारे साथ बदतमीजी कर ली कोई बात नहीं, अपराध करने वाले से बड़ा एक क्षमा करने वाला होता है और हम बड़े बन के दिखाएंगे। और 8 तारीख को भी बने हैं हम, और उस दिन भी हमने आदरणीय चौधरी सुखराम जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े उसका उन्होंने जैसा उनका दिल है वैसा अपार दिल करके हम सब ने भी उनकी बात को माना और हम सब उसके बाद अपने अपने घर को सभी युवा साथी चले गए। और उनका एक और मानना भी कि ऐसा एक घटना हो गई तो आगामी चुनावों में इसका ट्रेंड बन जाएगा, ऐसा ट्रेंड नहीं पड़ना चाहिए। और 8 तारीख को बाकी रिजल्ट में अपने पता लग ही जाएगा कि सुखराम चौधरी जी कितने मार्जिन से जीत देख रहे हो आप। सर देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस हिसाब से मेहनत की है, मैं आपको बता दूं कि अगर पहले राउंड में हमारी 2000 प्लस लीड आती है तो हम 15000 प्लस वोटों से जीतेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 8000 प्लस हम किसी भी रूप से नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे आपकी गणित कुछ कह रही है, चाहे शहर की गणित कुछ कह रही है, लेकिन हम आप सभी ने भी देखा कई पत्रकारों ने मुझसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा था, मैं उनको समय भी नहीं दे पाया। हमने दिन रात एक की है, लगभग 7 दिन तो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सोए भी नहीं है। जो टीम में जो दूसरे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे उनके कार्यकर्ता भी हमसे मिल रहे थे कि जो हिसाब जीत रहे हैं हमने आपसे मिलना है, हमारे भी काम आपकी सरकार आ रही है, हमने भी आपसे आपके माध्यम से काम करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चौधरी साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी पार्टी नहीं देखते, सीधा काम करने के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देर रात रात तक जब हमारा मिलना ऐसे ऐसे कर लोग